नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना काल में स्कूल खोलने के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया, घटनाएं घटती रहती हैं, डर कर नहीं बैठना चाहिए, 10वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का समर्थन। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर कहा, कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं और मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि फाइनल ईयर के एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन में उस छात्र की वही डिग्री काम आती है। बबीता फोगाट के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर आपत्ति पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के नाम पर पुरस्कारों स्टेडियम का नाम रखे तो खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। वही स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा, केंद्र की गाइडलाइन पर ही फैसला लिया जाएगा, अगर स्टेट को फैसला लेने के लिए कहा जाएगा तो राज्य फैसला लेगा। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से सभी हिदायतों का पालन किया जाएगा, लगभग 1,00,000 छात्रों को परीक्षा होनी है। यूनिवर्सिटी के डीन अफेयर ने बताया कि यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने का आदेश दिया। ऑनलाइन राय में सामने आया कि लगभग 50% छात्र ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं, जबकि लगभग 30% छात्र ऑफलाइन देना चाहते हैं। बीजेपी के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त किया, कहा कि आम कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कादियान ने कहा कि पहले वाली सरकारें पर्ची और खर्ची से चलती थी, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे नौकरी हो या बाकी काम हो, बिना पर्ची और खर्ची के सभी काम हो जाते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 1,694 नए मामले आए सामने, 17 लोगों की गई जान, 66,000 के पार हुए कोरोना के केस, जिसमें से 11,885 के केस आंकड़े। भिवानी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, प्रिंसिपल समेत 7 टीचर्स को हुआ कोरोना, जिले में 328 एक्टिव केस, कुल आंकड़ा हुआ 1,500 के पार, 12 लोगों की हो चुकी है मौत। नूह में पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले आए सामने, 5 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज, अब तक कोरोना से 14 मरीजों की मौत हो चुकी है, हर दिन 1,000 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं। फरियाबाद के नाकचा गांव में ग्रामीणों ने कोरोना सैंपल लेने के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम का विरोध किया, यही नहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामान को भी आग के हवाले कर दिया। गांव के पूर्व सरपंच की कोरोना से हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के सरपंच के सैंपल में आए लोगों के सैंपल लेने के लिए पहुंची थी, गांव की महिलाओं ने विरोध की अगुवाई की, स्वास्थ्य विभाग की टीम का सामान छीनकर आग के हवाले कर दिया। स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा मौके पर ग्रामीणों की वीडियो भी उन्होंने बनाया, जिसमें महिलाएं काफी गुस्से में नजर आती हैं, गांव के लोग स्वास्थ्य विभाग के सामान को आग में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पंचकुला में कोरोना के 216 नए मामले आए सामने, सीएमओ ने बताया कि एंटीजन टेस्ट करने की शुरुआत भी हो चुकी है, पंचकुला जिले के सभी हिस्सों में मरीज आ रहे हैं, जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, 2 दिन पहले ही मिड्ढा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विधायक ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया था, लेकिन लगातार बुखार रहने के बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। इंद्री से बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप अस्पताल में भर्ती हो गए, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि स्वास्थ्य में सुधार के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार। दरअसल विधायक राम कुमार कश्यप की 24 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन सेहत में सुधार न होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे। हांसी में कोरोना से एक दिन में 2 लोगों की मौत का मामला आया सामने, अब तक कोरोना से हांसी में 3 लोगों ने जान गंवा दी है। कोरोना महामारी के चलते अब बैंड बजवाकर लोगों का मनोरंजन करने वालों पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते ये अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे, सरकार से मांग की गई कि उनके व्यवसाय की ओर ध्यान दें।
अम्बाला में आईएएस कोचिंग सेंटर से इन दोनों नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड की परवाह किए बिना सेंटर चल रहे हैं, बच्चों की जान आफत में डाली जा रही है। प्रशासन ने कई सेंटर्स पर दबिश दी। कुछ सेंटर्स बंद थे तो कहीं बच्चों को कोचिंग दी जा रही थी, जबकि कोचिंग क्लास लगाने की सरकार या फिर प्रशासन का कोई आदेश नहीं है। एक कोचिंग सेंटर में पुलिस को दो क्लास चलते हुए नजर आई, जिसके मालिक को हिरासत में लिया गया। पंचकुला के पिंजौर में कौशल्या डैम के फ्लड गेट्स खोले गए। कौशल्या नदी पर बने कौशल्या डैम का जलस्तर बढ़ने पर तीन गेट्स खोले गए। कौशल्या डैम का पानी छोड़ने से पहले आसपास के इलाकों के लोगों को अलर्ट किया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कौशल्या डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। डैम की अधिकतम जल भंडारण क्षमता 478 मीटर है, जिसे बढ़े हुए जलस्तर ने पार कर लिया है। अधिकारियों की देखरेख में डैम में पानी छोड़ा गया। नरमे की फसल खराब होने पर स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे की मांग जोर शोर से की जा रही है। सिरसा में नेलो कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर रोष जताया। नेलो कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इन लोगों ने जल्द से जल्द गिरदावरी कराए जाने की मांग की है। नेलो किसान सेल के जिला प्रधान ने कहा कि जिले में नरमे और कपास की करीब 60% फसल को नुकसान हुआ। दोहारू में इन दोनों किसान कपास, मूंग और ग्वार की फसल में आए रोग से चौपट हुई फसल को लेकर गुस्साए हुए हैं। किसानों ने प्रदर्शन किया, बर्बाद फसल की विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की गई। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। बर्बाद हुई फसलों के पौधे भी किसानों ने एसडीएम को दिखाए। पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर आरोपी को रंगे हाथों गर्भपात वाली किट बेचते हुए पकड़ लिया। हस्ताक्षर किए गए 500 रुपए भी आरोपी के कब्जे से मौके पर ही बरामद कर लिए गए। टीम इंचार्ज ने बताया कि सिविल सर्जन को शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर टीम बनाकर छापेमारी की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है। यमुनानगर में एक और माइनिंग जोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। सरकार ने विभिन्न विभागों से यमुना नदी के साथ लगती जमीन की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। यमुना से लगती जमीन को लीज पर दिया जा सकता है। पिछले साल माइनिंग जोन से सरकार को लगभग 110 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद के वार्ड नंबर 8 में करीब 2 हफ्ते पहले एक कोरोना मरीज मिला था, जिसे होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन इसके बाद कोरोना मरीज ने कंटेनमेंट जोन और होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं किया। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को शिकायत दी है। वहीं कोविड मरीज का कहना है कि 2 हफ्ते बीतने के बाद घर के आसपास का कंटेनमेंट जोन खोल दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल तक नहीं लिया, ना ही उसे नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र दिया गया। मामले में नागरिक अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर हरप्रीत कौर ने बताया कि ऑनलाइन फोरम की गाइडलाइन में होम आइसोलेशन कोरोना मरीज को 14 दिन के बाद कोई सिम्टम्स नहीं मिलते हैं तो उसे नेगेटिव माना जाएगा, सैंपलिंग की जरूरत नहीं है। क्या था सब्जी मंडी में कोरोना वायरस की वजह से सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसके दाम 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक ना बढ़े हों। महामारी के चलते वैसे ही मंदी का दौर है, दूसरी ओर लोगों के पास रोजगार नहीं। ऐसे में आसमान छूती सब्जियों के दाम ने लोगों के घर का बजट खराब कर दिया है। लोग एक हफ्ते की सब्जी के बजट में महज एक टाइम की सब्जी लेने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस की वजह से प्रशासन की ओर से कैथल सब्जी मंडी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन जब इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मौके पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। जिले में कमजोर महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए सीएसआर परियोजना के तहत किशोरी एक्सप्रेस काम कर रही है। किशोरी एक्सप्रेस में न केवल महिलाओं के खून की जांच करने के लिए किट और अन्य उपकरण भी यहां पर उपलब्ध होते हैं। इन दोनों कोरोना से निपटने के लिए मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सामान भी यहां पर दिए जा रहे हैं। सबसे खास बात तो ये भी है कि इसी एम्बुलेंस से महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी जिले में किया गया। अब तक इस कार्यक्रम से जिले की 23,000 महिलाएं और किशोरी लाभ उठा चुकी हैं। रोहतक में पुरानी आईटीआई के पास रेलवे ओवरब्रिज से कार नीचे गिर गई। हादसे में कार में सवार 4 युवकों को चोट आई है, जिन्हें गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती करा दिया गया। करनाल में पुलिस की एंटी नार्कोटिक शाखा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। गट्टू नाम की अफीम से बने लाखों रुपए की लिक्विड नशे की खेप के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार।
पकड़ा गया आरोपी पिछले 5 सालों से नशा तस्करी का काम कर रहा था। नशा तस्कर के तार दिल्ली और गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। कोर्ट में पेश कर आरोपी को रिमांड पर लिया गया। सोनीपत में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। दोनों पिछले 4 महीने से एक साथ रह रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद प्रेमी ने गला दबाकर प्रेमिका की जान ले ली। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शव शमशान घाट के पास खेतों से बरामद हुआ। अंबाला में दिल्ली हाईवे पर बैंक का एटीएम बदमाशों ने तोड़ डाला। 9,13,000 रुपए ले उड़े कचरे से एटीएम को काटकर वारदात को अंजाम दिया गया। 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। वारदात का पता चलने के बाद पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा के लिहाज से यहां पर गार्ड तैनात होता है, मगर वो गुरुद्वारे में सो रहा था। जब वापस आया तो एटीएम का शटर टूटा मिला। फतेहाबाद के डायट गांव में अवैध शराब को लेकर शराब ठेकेदार पर फायरिंग का मामला है सामने। पुलिस के अनुसार शराब ठेकेदार और उसके साथियों पर 15 से 16 युवकों ने फायरिंग की, जिसमें 26 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले में डीएसपी का यह कहना है कि शराब को लेकर 2 गुटों में रंजिश चल रही थी। भिवानी की कृष्णा कॉलोनी में बेहड़ी यूनियन ने एक महिला की जान बचाने वाले एएसआई देवेंद्र को सम्मानित किया। बीते दिनों घरेलू झगड़े के चलते एक महिला कुएं में कूद गई थी। भिवानी के दिनोद गेट चौकी में कार्यरत देवेंद्र एएसआई ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई। उनके इसी साहस और वीरता को देखते हुए कृष्णा कॉलोनी स्थित बेहड़ी यूनियन ने आज उन्हें सम्मानित किया। यूनियन के प्रधान सुनील ने बताया कि बहादुर एएसआई को भिवानी रतन से सम्मानित किया गया है। उनके इस साहस को देखते हुए युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। एएसआई देवेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया के दिशा निर्देश पर चलते हुए मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। कैथल में कपिस्थल नंदी गौशाला बरसात का पानी जमा होने से कीचड़ वहां पर हो रहा है। गौशाला में शेड समेत कई व्यवस्थाओं की कमी है। नंदीशाला में 800 पशुओं को रखने की व्यवस्था है, लेकिन 1100 से ज्यादा पशुओं को रखा हुआ है। गौशाला संचालक चंदे के बूते गायों के चारे का इंतजाम करने को मजबूर हैं। जीवन रक्षक दल का यह कहना है कि जिले के 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी गाय के नाम पर वोट तो मांग लेती है, लेकिन गौशाला चलाने के लिए संचालकों को चंदा मांगना पड़ता है। जीवन रक्षक दल से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि कोई भी मंत्री या फिर अधिकारी इस नंदीशाला का दौरा करने नहीं आता। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से बुजुर्गों की बेसहारा लोगों की पेंशन बांधी जाती है, इनकी भी गौ पेंशन बांधी जाए। पंचकुला के हर मिलाप नगर में एक शख्स को अपने बेटे से देर रात घर से बाहर घूमने जाने से मना करना भारी पड़ गया। बेटे से बाहर जाने से मना किया तो उसने खुद को कमरे में बंद करके ठंडा लगा लिया। परिवार वालों की माने तो रात को बेटे ने 10 बजे के बाद घर से बाहर जाने की जिद की, जिससे उसे पिता ने मना कर दिया। इसके बाद उसका शव फंदे पर लटका मिला। मामले में अस्पताल प्रशासन की भी एक बार फिर से लापरवाही सामने आई। शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई। पंचकुला अस्पताल की दूसरी बार एम्बुलेंस ना देने की लापरवाही है। भवानीखेड़ा के सरकारी स्कूल में वोटर आईडी बनवाने आए छात्र को टीचर ने इतना परेशान किया कि छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की। आरोप यह है कि इससे पहले भी छात्र के साथ टीचर ने बुरा बर्ताव किया था। झज्जर में डीघल टोल के पास यस बैंक के कर्मचारी धीरज की हत्या के मामले को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दरअसल पिछले महीने गुरुग्राम में धीरज की हत्या कर दी गई थी। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद झज्जर पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़िग रहे। नूह में किसानों की फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए बास मार्केट कमेटी की ओर से बड़ाला से पेटवाड़ तक करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई। सड़क बनने के 1 हफ्ते बाद ही जगह जगह से उखड़ गई। ग्रामीणों में इसे लेकर गुस्सा है। ग्रामीणों ने मार्केटिंग बोर्ड और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सड़क निर्माण में हुई धांधली की जांच करवाने की मांग की गई। एसडीएम ने ग्रामीणों को सड़क के निर्माण कार्य की जांच करवाने का आश्वासन दिया है। कोरोना के चलते साइबर सिटी प्रोग्राम के लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में सरकार की तरफ से दी गई छूट की 31 अगस्त की अंतिम तारीख अब बढ़ा दी गई है। अब 31 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट का लोग फायदा उठा सकते हैं। गुरुग्राम नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते नगर निगम की टैक्स विंग ने 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी को सील किया। 25 प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए तैयार की गई।
रजिस्ट्री घोटाले के बाद शहरी क्षेत्र में बंद पड़ी रजिस्ट्री सेवा को बहाल कर दिया गया है। फतेहाबाद में रजिस्ट्री सेवा बहाल होने के बाद तहसील कार्यालय में लोगों की भीड़ देखने को मिली। नए सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्रीज की गई। रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने बिजली खेत ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए बिजली के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कहा कि कई साल से लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए। हरियाणा में करीब 8,500 किसान हैं जिन्होंने खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में लाखों रुपए जमा किए हुए हैं। किसानों का यह भी कहना है कि मांग पूरी नहीं होती तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। महान चौबीसी के खरकड़ा गांव निवासी ने बिजली विभाग पर बिना मीटर लगाए बिजली का बिल देने का आरोप लगाया। कहा कि उसे 3 फेज का कनेक्शन लेना था। मशक्कत के बाद घर मीटर लगाया गया लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया। पावर हाउस के एसडीओ का ये कहना है कि विभाग का काम होता है उपभोक्ता को इनकमिंग कनेक्शन देना। उपभोक्ता जानबूझकर पोल पर मीटर लगाने का विरोध कर रहा है। उच्च अधिकारियों को बताया गया। पानीपत के जन औषधि केंद्र पर महंगे दामों में दवाई दी जा रही है। मरीज का यह आरोप है कि उसे बिल भी नहीं दिया गया। कहा गया कि यहाँ पर सिर्फ दवाइयां मिलती है। रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव ने कहा कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के नवीन नगर में पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक महिला और उसके पति को पीट रहे हैं। पलवल में 22 साल की युवती के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस के अनुसार 3 युवकों ने एक युवती के साथ खेत में गैंगरेप किया, पीड़िता के साथ मारपीट की गई। सिरसा में भजन पार्टियों का नशा के प्रति जागरूकता अभियान शुरू। पंचायत भवन से उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर पार्टियों को रवाना किया। गीतों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में भारतीय सेना के जूनियर कमीशनर अधिकारी शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को के लिए रवाना, जहां पर रक्षा मंत्री संघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद है। सरहद पर लगातार जारी है पड़ोसियों की चालबाजी। गृह मंत्रालय ने चीन नेपाल और भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया। 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। संसद शुरू होने के 72 घंटे बाद सांसदों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। संसद के मॉनसून सत्र में इस बार कुल 18 बैठकें होंगी। सुबह एक सदन तो वहीं दोपहर को दूसरे सदन की बैठकें चलेंगी। बिना छुट्टी के कार्यवाही चलाई जाएगी, जिसमें संसद में रोज 4 घंटे का एक सत्र होगा। देश में एक दिन में सामने आए 78,168 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा 37,66,000 के पार। अब तक 66,460 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाया सबसे ज्यादा कहर। एक दिन में सामने आए 15,765 नए मामले। 320 लोगों ने जान गंवा दी। 2 लाख के करीब मरीज अब भी एक्टिव। पूरे देश में कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 4,45,000 के पार। अब तक 4,053 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4,33,969। कोरोना से अब तक 7,418 लोगों की मौत। 3,74,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। यूपी में एक दिन में कोरोना के 5,343 मामले आए सामने। 56 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 1,76,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 55,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। एक दिन में मिले 2,312 नए मामले। 18 लोगों की हुई मौत। 15,870 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना का नहीं थम रहा कहर। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 83,163। अब तक 68,124 मरीज रिकवर। पंजाब में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 55,508। अब तक 1,512 मौतें। हिमाचल प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। एक दिन में सामने आए 139 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,255। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 2,58,91,000 के पार। अब तक 8,60,278 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टर अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म में एक सुपर विलन का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म एक सुपर हीरो पर आधारित होगी। अभी फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फैंस को अजय के सुपर विलन वाले किरदार का बेसब्री से इंतजार है।
फिल्म अचकन चटकन का एक गाना दाता शक्ति दे रिलीज हो गया है। सॉन्ग को अमिताभ बच्चन ने गाया है। अमिताभ बच्चन ने इस गाने को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। सॉन्ग को शिवामणि ने कंपोज किया है और संगीतकार एआर रहमान है। डायरेक्टर शेखर कपूर लेखक अमीश त्रिपाठी की किताब पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अमीश त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेखर कपूर के ऑफर का स्वागत किया। शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म अटकन चटकन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को सिंगर सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। फिल्म के ट्रेलर को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। सारा अली खान का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी के साथ छाया हुआ है। इस वीडियो में सारा अली खान आंख मारे सॉन्ग पर स्टेज पर डांस करते नजर आती हैं। सारा अली खान इस वीडियो में स्टेज पर अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। एकता कपूर का शो कसौटी जिंदगी की दो शो नवंबर में बंद करने का फैसला लिया जा चुका है। एक्ट्रेस को इस बार में पहले इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। कसौटी जिंदगी के दो की कास्ट में कई बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। करिश्मा तन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की है। करिश्मा के इन लेटेस्ट फोटोज में सिंपल ट्रेडिशनल लुक में नजर आती हैं। हाल ही में करिश्मा ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का खिताब अपने नाम किया। स्वरा भास्कर और अक्षय उबराय स्टार वेब सीरीज फ्लैश डेरोज नाउ पर रिलीज हो चुकी है। वेब सीरीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड है। इस सीरीज को फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक्टर प्रोड्यूसर किच्चा सुदीप बुधवार को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुदीप की डेब्यू फिल्म थाईवा थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। एक्टर शर्लिन चोपड़ा का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में शर्लिन एक बच्ची के साथ नागिन डांस करते नजर आते हैं। छोटी बच्ची इस डांस को बहुत एंजॉय कर रही है।